प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकी मैडम, क्राइस्टचर्च कन्वेंट स्कूल गाडरवारा। डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर कक्षा 8वीं द्वादशा पाठा चित्रकूटम पाठ का हिंदी अनुवाद समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से समझिए। देखिए, मैं शुरू करती हूँ, आप मिलाते जाइए। मध्य प्रदेश से सतना मंडले विंध्य पर्वतमालाया मध्य नौसर्गिके अति रमणीय विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलम चित्रकूटम स्थितम अस्ति। मध्य प्रदेश के सतना जिले की विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य अति रमणीय विस्तृत क्षेत्र में चित्रकूट तीर्थ स्थल स्थित है। इदम स्थलम नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। यह स्थल नगर के कोलाहल से रहित प्राकृतिक सौंदर्य संपन्न है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजतया आनंदानुभूति जायते। यहाँ पर आने और देखने से सहज ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। चित्रकूटे सगनानी बनानी संति अत्र कल नादपूरिता निर्जरा अपि वर्तन्ते। चित्रकूट में सघन वन है, यहाँ पर कलकल का नाद करते हुए झरने भी हैं। सर्वत्र हरितमा राज्यते, सभी जगह हरियाली छाई हुई है। चित्रकूटस्य धार्मिकम सांस्कृतिम नौसर्गिकम अपि महत्वम विद्यते। चित्रकूट का धार्मिक सांस्कृतिक और नौसर्गिक महत्वी है। कथ्यते यत भगवान रामचंद्र वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्याम सह एकादश वर्षाणि यावत चित्रकूटे एव निवास कृतवान। कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र वनवास के समय सीता जी और लक्ष्मण के साथ 11 वर्ष तक चित्रकूट में रहे थे। महर्षि अत्रिशाद्रियंसिया च अत्र तपस्याम कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेताम। महर्षि अत्रि और शाद्रियंसिया ने यहीं पर तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया था। जन श्रुत्यनुसारम अत्रे वंशीया ब्रह्म विष्णु महेशा नाम स्वत्पसा बाल स्वरूपेण साक्षात्कारम कृतवती। जनश्रुति के अनुसार यहीं पर अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपने तप से बाल रूप से साक्षात्कार किया था। अत्र अनेकानि दर्शनानि स्थानानि सन्ति, यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं। जैसे अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ राम घट्टा, ये राम घाट के विषय में बताती हूँ। तो देखिए, मिलाइए, मंदाकिन्या तटे राम घट्टा अस्ति। राम घाट मंदाकिनी के किनारे राम घाट है। अयम अतीव रमणीय घट्टा, यह बहुत ही सुंदर घाट है। अत्र साधुनाम महात्मानाम तीर्थयात्रिणाम च प्रायः सम्मर्दः भवति। यहाँ पर साधुओं महात्माओं और तीर्थयात्रियों की प्रायः भीड़ लगी रहती है। सूर्योदयात सूर्यास्तम यावत मंत्रोच्चारणे वातावरणम गुंजयति गुंजितम भवति। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मंत्रोच्चार के द्वारा वातावरण गूंजता रहता है। संध्या काले नीराजन समये मनोरम दृश्यम भवति। संध्या के समय आरती के समय मनोरम दृश्य होता है। अत्र नौका विहारस्य आनन्दः अपि यात्री भी लभन्ते, यहाँ पर यात्री गण नौका विहार का आनंद भी लेते हैं। अब देखिए कामदगिरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो सुनिए, कामदगिरी स्थलस्य धार्मिकम महत्वम लोक प्रसिद्धम। कामदगिरी स्थल का धार्मिक महत्व लोक प्रसिद्ध है। एतत् स्थलम हरितिमाच्छिदितम अस्ति, यह स्थल हरियाली से भरपूर है। अत्र श्रद्धालवः भगवतः रामस्य प्रतीक स्वरूपम
चरण चिन्हम पूजयंती। यहाँ पर श्रद्धालुगण भगवान श्री राम के प्रति स्वरूप चरण चिन्हों को पूजते हैं। मन्यता अस्ति यद् भरतः अयोध्यावासी सह रामं पुनः अयोध्यां आनीतुम् अत्रैव प्रार्थितवान्। ऐसी मान्यता है कि भरत जी ने अयोध्या वासियों के साथ राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए यहीं पर प्रार्थना की थी। अत्रैव समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति, यहीं पर पास में भरत मिलाप मंदिर है। कामदगिरे प्रदक्षिणा जने क्रियते, लोग कामदगिरि की परिक्रमा करते हैं। देखिए अब आप पेज पलट, अब देखिए जानकी कुंडम, तो देखिए जानकी कुंडम देखिए, ये मिलाइए आप, दो दो का बता रही हूँ। जानकी कुंडम राम घट्टात नाति दूरम एव जानकी कुंडम अस्ति। राम घाट के निकट जानकी कुंड है। तत्र नौकिया अपि गंतुम शक्यते, यहाँ पर नौका से भी जा सकते हैं। अत्र मंदिर कन्या शांतम जलम अतीत स्मृति पूरियत इव स्थितम भांति, यहाँ पर मंदाकिनी का शांत जल अतीत ही स्मृति को समेटे हुए स्थिर दिखाई देता है। बनवासे सीता अत्र स्नानम करोती, इसमें वनवास में सीता जी यहीं पर स्नान करती थी। अतएव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम, इसलिए इसका नाम जानकी कुंड के रूप में प्रसिद्ध है। अनसुईया आश्रम, अनसुईया आश्रम, अब देखे सघन वन मध्य अनसुईया आश्रम अस्ति, सघन वन के मध्य अनसुईया आश्रम है। तत्र पक्षिणाम कलरवः निर्झर निर्झर ध्वनि शीतल वायु च मनांसी रंजयंती, यहाँ पर पक्षियों का कलरव, झरनों की झरझर की ध्वनि और शीतल वायु मन को आनंद विभोर कर देते हैं। मंदाकिन्या उद्गम स्थलम इतदेव, मंदाकिनी का उद्गम स्थल यही है। अत्र ब्रह्मा विष्णु महेशात्री अनसुयादयः तपस्याम कृतवंता, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश अत्री अनसुया आदि ने तपस्या की थी। अब देखते हैं स्फटिक शिला और गुप्त गोदावरी। तो देखिए स्फटिक शिला, अब मैं बताती हूँ इसका। जानकी कुंड समीपे एव विशाला शिला दर्शनीया वर्तते, जानकी कुंड के समीप ही एक विशाल दर्शनीय शिला है। अत्र जयंता काग रूपे सीता चरणे चंचु प्रहारम कृतवान आसीत इति प्रसिद्धम, यहीं पर जयंत ने कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में अपनी चोंच से प्रहार किया था। अब देखिए गुप्त गोदावरी, चित्रकूटतः पंच कोश दूरम नयनाभिरामम सौंदर्य युक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते, चित्रकूट से 5 कोस की दूरी पर आंखों को प्रिय लगने वाला सौंदर्य युक्त गुप्त गोदावरी का स्थल है। अत्र दैनो सर्ग के गुहे स्थ, यहाँ पर 2 प्राकृतिक गुफाएं हैं। अत्र निरंतरम जलम प्रवहति, यहाँ पर निरंतर जल प्रवाहित होता है। अब देखिए हनुमान धारा ग्रामोदय विश्वविद्यालय, 2 का और देखिए हनुमान धारा। अत्र उच्च स्थलात जलम पतित जल प्रपातः अत्र खलु दृष्टया एव, यहाँ पर ऊंचे स्थान से जल गिरता है, यहाँ पर जल प्रपात देखने लायक है। लंका दहनानंतरम रामज्ञः हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनापवादः। लंका दहन के पश्चात श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने यहीं पर शांति प्राप्त की थी, अतः इसका नाम हनुमान धारा है, ऐसी जनश्रुति है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय, अत्र राष्ट्र सेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धार
भाव नया नवीन प्रकल्प स्थापित। यहाँ पर राष्ट्र सेवक नाना जी देशमुख ने ग्रामोद्धार की भावना से एक नवीन संस्थान स्थापित किया है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सांप्रतम सह महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इति नामना प्रसिद्ध। चित्रकूट में स्थित ग्रामोदय विश्वविद्यालय आजकल महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। अत्र प्रकृति चिकित्सा प्रकल्प अपि वर्तते। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान भी है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते। कृषि अनुसंधान कार्यों में यहाँ पर महती प्रगति दिखाई देती है। तो बेटा आज मैंने आपको द्वादशा पाठा चित्रकूटम का हिंदी अनुवाद समझा दिया है। अब आपको इसे ध्यान से समझना है। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।